वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम आपको दिखाएंगे कि बजरी तोतों को कंगनी में बाजरा, गेहूं और ये कैसे खिलाया जाए, क्योंकि कंगनी बहुत महंगी होती जा रही है। हमारे यहाँ इसका रेट 80 रुपये किलो है, और आपको आपके यहाँ क्या मालूम क्या रेट है इसका, बाकी ये बहुत महंगी पड़ती है। तो दिखाएंगे आपको कि बजरी तोतों को कंगनी और बाजरा और गेहूँ कैसे खिलाते हैं। तो आज हम आपको इसका बाजरे का सीड मिक्स बनाना सिखाएंगे। देखिए चलो देखते हैं। पहले तो हम गेहूं पिसा लेंगे थूली के हिसाब से, थूली जैसे पिसाते हैं उसको थूली बोलते हैं। और थोड़ा सा बाजरा पिसा लेंगे, और उसके बाद मक्का पिसवा लेंगे। क्वांटिटी आपके हिसाब से रहेगी, बाकी ये कंगनी रहेगी तो कंगनी को बाद में मिक्स करना है थोड़ी सी उसमें, और बाद में थोड़े से सूरजमुखी के बीज मिलाना है इसके अंदर। चलिए बाजरे का सीड मिक्स बनाते हैं। पहले तो हमें ये गेहूं मिलाना है, गेहूं को मिक्स करना है। ये देखिए इसको थूली के हिसाब से पिसवाना है। ये देखिए ये थूली जैसे पिसे हुए गेहूं है। उसके बाद हमें ये 1 किलो मक्का ले लेना है, और मक्का को इस गेहूं के अंदर मिला लेना है। ये देखिए इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है, ये इस तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें बाजरा ले लेना है, 1 किलो बाजरा इस तरीके से पिसा हुआ, और उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर हमें थोड़े से सूरजमुखी के बीज ले लेना है। ये देखिए ये सूरजमुखी के बीज है, इनको भी कम क्वांटिटी में लेना है, और इनको भी मिक्स कर देना है। देखो हमें किस हिसाब से ले, या कटोरे या मुट्ठी के हिसाब से ले ले, इस तरीके से। ज़्यादा नहीं हो क्योंकि हम इसे कंगनी में भी मिलाते हैं। ये देखिए ये हमारा सीड मिक्स बहुत ही कम खर्चे में तैयार हो गया। ये मिनिमम 100 रुपये लगे हमारे को इसमें, 3 से 4 किलो हमारा ये सीड मिक्स बनकर तैयार हो गया है, और कंगनी से बहुत सस्ता पड़ता है ये। और आपको हम इसके बाद दिखाएंगे कि बजरी तोते हमारे इसके किस अच्छे तरीके से खाते हैं, इसका भी वीडियो आपको बताएंगे इसी के अंदर। ये देखिए बड़े शौक से खा रहे हैं। बाजरे का सीड मिक्स खा रहे हैं। देखिए